हम देखें तो सही, अनुभव तो करें, हम जाने तो सही सेना है क्या, जिंदगी क्या है उनकी, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है कि रग रग में हिंदुस्तान समाया हुआ है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आजकल मीडिया में बहुत चर्चा चल रही है खाने के विषय में। खाने के विषय में प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, गृह मंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही रक्षा मंत्री जी कर पाएंगे। खाने का राशन पूरा सिस्टम के साथ मिलता है। जो भी फौज के अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, वो जवानों के ऊपर कोई भी उनका ध्यान नहीं रहता है। मेरा तो मानना यह है, जवान को वो बिल्कुल गधे के जैसे रगड़ते हैं। वहां पे एक एक कमांडेंट सीओ के यहां कम से कम 10-10, 20-20 जवान तो उसके बटमैन होते हैं, बटमैन बटमैन। कंपनी कमांडर के यहां 2-2, 3-3 बटमैन बटमैन। आउटसाइड में उनसे इतनी ड्यूटियां कराते हैं, उनके अगर बंगले घर चाचा ताऊ के यहां अगर कोई जाना है, भेज दिए दो जवान, जाओ टीएडीए गवर्नमेंट का लग रहा है, अपनी तरफ से जाओ। अधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिरी, जवानों पर ही गाज करती है। जवान का भी खाना गलत बनता है, जवान की मैस कटिंग आजकल भारत सरकार बहुत दे रही है, पूरा मैस कटिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो खाना अच्छा क्यों नहीं मिलता जवान। हमारे टाइम में तो खाना बहुत अच्छा था। जब अधिकारी ऐसे चोर भर्ती हो गए हैं, गद्दार भर्ती हो गए हैं, क्वार्टर मास्टर चोर, बीक्यू चोर, जेक्यूम चोर, अब सारे विभाग में चोर, इंजीनियर ब्रांच में भी चोर, मैं देखा हूं इंजीनियर ब्रांच में रहा हूं। इसीलिए मैंने फौज के अंदर चोरी हो रही है, काला धन तो बंद हो गया मगर काली चोर बाजारी नहीं बंद कर पाएगा कोई भी। इसके लिए अपनी आत्मा अपने मन से वो करना पड़ेगा परिवर्तन, तभी ये हो सकेगा। और ये परिवर्तन नहीं कर पाएंगे क्योंकि लालच बहुत बुरा बला है, लालच बहुत बुरी है। संतुष्टि किसी को नहीं हो सकती। अगर कोई भी एक आदमी बोल दे 1 अरब 25 करोड़ आदमी से, क्या भारतीय सेना क्या कुछ कोई भी हो, जितनी बड़ी पोस्ट पे बैठने वाला है, मैं संतुष्ट हूं, संतुष्ट नहीं है। संतोषम परम सुखम, संतोष करने वाला व्यक्ति ही महान होता है। हम ऐसी ऐसी जगह पे रहे हैं जहां हफ्ते हफ्ते तक कुछ नहीं पहुंचता था, हम लोग वही घोल फोल के खा लेते थे। आजकल हाईलाइट है, सब कुछ शाही सिस्टम है, ठीक है, मगर अफसर शाही फौज से खत्म होनी चाहिए। और जब जवान नहीं तब फौज नहीं, और वो कमांडेंट भी नहीं, अधिकारी भी नहीं। फौज में सिपाही को बहुत टॉर्चर किया जाता है, अगर उसने जरा सा मना कर दिया, पेलहर नहीं मैं पकड़े और चमचागिरी नहीं करी, तो तुरंत उसको उठा के कहीं और पोस्टिंग, कहीं और पोस्टिंग, घुमाते रहते हैं। अफसर सबसे बड़ा कुत्ता है, सबसे बड़ा चोर है। कुछ अफसर बहुत चोर हैं, जवानों की स्केल खा जाते हैं, क्वार्टर मास्टर से बोलते हैं तू इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, अपने मकान कहीं देहरादून ऑल ओवर इंडिया में, इनके घर छापे मार दिए जाने, गवर्नमेंट अगर सीबीआई इंक्वायरी करा देना इनकी, तो हर अधिकारी फंसा हुआ नजर आएगा। अब तो काला धन चल गया, सब कुछ चल गया, अब इसके ऊपर भी कार्रवाई करिए सर प्लीज। मेरा राजनाथ सिंह से, होम मिनिस्ट्री से, रक्षा मंत्री से, अधिकारियों पर नजर रखो, अधिकारियों पर नजर रखो। अधिकारी बहुत भ्रष्ट है अभी तक, क्योंकि बेल टोपी वाले अधिकारियों का भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है, क्योंकि वो आम आदमी भी उन पर हाथ नहीं डालता, मीडिया भी नहीं डालती है। या अंदर की बात बता रहा हूं, बहुत चोर हैं, अब बहुत ही हरामी हैं। कुछ अफसर तो बहुत ही लुच्चे टाइप के, इतना टॉर्चर कर देते जवान को, क्वार्टर गार्ड डाल देंगे, सब कहीं कर देंगे, सजा दे देंगे, सब कर देंगे, उसको कोई क्रम नहीं बाकी रखते हैं, उसको घुमाते रहेंगे बटालियन में, कहीं इधर गेट पे कहीं उधर गेट पे, बहुत परेशानी होती है जवान को। और जवान के बिगर अधिकारी नहीं, फिर दोबारा बोल रहा हूं, और जवान के बिगर फौज नहीं। जब जवान ही नहीं होगा तो काहे का कमांडेंट, और काहे का 2IC, काहे का BHM, काहे का CHM। जवानों का ध्यान करो, ऐसे ही कांड होते हैं फौज में। जवानों का ध्यान रखो, उनके खाने का ध्यान रखो, उनके परिवार का ध्यान रखो। फैमिली वेलफेयर सेंटर का भी पैसा खा जाते हैं हाले गद्दार, क्वार्टर मास्टर की सीट पे बैठा देंगे, उसी क्वार्टर मास्टर की इंक्वायरी करा देते हैं यही अफसर, और फिर बाद में वो GPF निकाल के पैसा जमा करता है। ज्यादा बोलूंगा बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, शॉर्टकट में खत्म कर रहा हूं। और 3-4 ब्रांच, जो 5 ब्रांचें हैं, जैसे इंजीनियर ब्रांच हो गई, WT हो गई, MT हो गई, क्वार्टर मास्टर ब्रांच हो गई, जिसको क्वार्टर मेस्टर, जिसमें ग्रीन शॉप वगैरह सब आते हैं, चीनी घोटाले उठाले सब साले का डाटेंगे, ठेकेदारों के कुत्ते हैं ये अफसर,
जो ठेकेदार इनको मोटी रकम देता है उसी का टेंडर पास कर देते हैं। बहुत हरामी है, सब मार्केट की सर्वे रिपोर्ट सब गलत आती है, सब गलत आती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।